नुआपड़ा सिनापाली सहर गायत्री मंदिर रे राखी पूर्णिमा अनुष्ठित इठारे नियारा राखी पूर्णिमा देखा मिलूची भाई हाथ में राखी बांधिबा सह गोटे तिरंगा पताका दे देशर रक्षा करिबा पई मध्य नियारा एभली राखी पूर्णिमा देखा मिलूची प्रतिवर्ष भली ए वर्ष मध्य सिनापाली गायत्री मंदिर पक्षर भाई भौणी मानकर नियारा संपर्क नहीं गोटे रक्षाबंधन इठारे पालित होती भाई हाथ में राखी बांधि रक्षा कवच पई अनुरोध करिछि भौणी तेबे आम सिनापाली सहर गायत्री मंदिर परिसर में अच्छा यठार अच्छा प्रतिज्ञा नवा कौन केमती आयोजन थी आज आज बहुत सुंदर आयोजन होती गायत्री शक्तिपीठ सिनापाली तरफ समस्त भाई और भौणी मैंने आज एकजुट होती इठिकार सब भौणी भाई मानक जितेबले रक्षाबंधन करसंगे गोटे गिफ्ट देखते तिरंगा पताका आउमी भौणी मान नारी सम्मान जमी रक्षा करवा सेपरी आम संस्कृति और देश को रक्षा करने आज गोटे समस्त संकल्पबद्ध हो जना भूल चंद पते कन बा कण केनता पारन थिला आज रक्षा बंधन है हम भाई मन के राखी बांधिसु से माने हम रक्षा करबे आ देश के रक्षा करबे अन्य जना भूल चंद कण केनता लागला आज राखी पलन आज बहुत भल लागिस हमर इन सब भाई माने मिसिकिना भूनी माने राखी बांधिसु आ तांके में गिफ्ट हिसाब रे तिरंगा पताका भी देछु हम आज बहुत खुशी होछु जेतु इन गायत्री परिवार तरफ रु निहाती भावे देखु रक्षा बंधन उपलक्षे गोटे निरा दृश्य देखा मिली केवल भाई हाथ में राखी बांधि ना खाली से नुह गोटे तिरंगा पताका देशर रक्षा करने नवेदन करते भाई मानक जन अच्छा आउ थे अच्छा आम आज्ञा कौन के आयोजन आज पवित्र रक्षा बंधन भाई भाई मन के भौणी मैंने बहुत खुशी से आज राखी बांधिचन गायत्री शक्तिपीठ से प्रतिवर्ष ये रक्षाबंधन पालन हुए सिनापाली समस्त भाई भौणी मिसी आज रक्षाबंधन पालन कर ये परिवेश बहुत अच्छा लगा और हमारे सिनापाली के बहनों आकर के भाइयों को रक्षाबंधन किया है। मैं फर्स्ट टाइम देखा कि सिनापाली गायत्री शक्तिपीठ में ये बहुत अच्छा सुंदर महोत्सव मनाया गया है, इसलिए और एक एक के हाथ में तिरंगा पताका भी दिया है, ये और बहुत ही बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राखी पूर्णिमा को नहीं नुआपड़ा जिलार खड़ियाल अंचल उत्सव मुखर हो पड़ता बेले सिनापाली सहर में निरा राखी पूर्णिमा देखा मिली एठार गायत्री मंदिर में भाई हाथ में राखी बांधि सह गोटे गोटे तिरंगा पताका देशर रक्षा करने संकल्पबद्ध करते भौणी मैंने भाई को नुआपड़ा जिला खड़ियाल गणेश रणा अर्गस न्यूज।